स्टार्ट करते हैं हम लोग AWS का लेक्चर नंबर 26। और आज का टॉपिक है हमारा प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में। तो EC2 के सेक्शन में ही ये टॉपिक आता है, प्लेसमेंट ग्रुप, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब अगर आप प्लेसमेंट ग्रुप को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको ना थोड़ा सा AWS का आर्किटेक्चर क्लियर होना चाहिए। आर्किटेक्चर का मींस कि AWS का जो रीजन है, रीजन के अंदर कितने जोन होते हैं और जोन के अंदर किस तरीके से इनका सेटअप होता है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को। अब अगर मैं थोड़ा सा AWS के कंसोल पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये AWS का रीजन के लिस्ट आ रहे, देखो, राइट, नॉर्दर्न वर्जीनिया, मुंबई। तो अगर मुझे नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में सेटअप लगाना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में मूव कर जाता। ये मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में आ गया। अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि नॉर्दर्न वर्जीनिया में कितने जोन्स हैं, तो ये जोन्स की लिस्ट देखा यहाँ पे देखने को मिल जाती है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 जोन है नॉर्दर्न वर्जीनिया में। ऐसे अगर मैं मुंबई रीजन के साइड चलता हूँ तो मुंबई रीजन में देखो 4 जोन है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने रीजन्स बनाए, रीजन्स के अंदर जोन बनाया। बट इसको प्रॉपर वे में हम समझना चाहते हैं कि इन लोग रीजन्स को कैसे बनाते हैं, जोन को कैसे रेडी करते हैं। तो इसको समझना है तो इसको इस तरीके से समझो कि मान लो ये इनका रीजन है, ठीक है, ये इनका रीजन है। अब इस रीजन के अंदर मान लो जोन है, ये 1 जोन हो गया, ये 2 जोन हो गया, ये 3 जोन हो गया और ये 4 जोन हो गया, ठीक है। अब जोन के अंदर क्या होते हैं, इनके रैक होते हैं, है ना, ये हार्डवेयर होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे 3 हार्डवेयर बनाए तो सिर्फ 3 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 है, आप समझ लो 1 जून के अंदर एन नंबर ऑफ हार्डवेयर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखना चाहते हो गूगल में तो हार्डवेयर की लिस्ट आप ऐसे देख सकते हो, डाटा सेंटर रैक, इस तरीके से देखो, इस तरीके से, ठीक है। और इस जोन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो ऐसे समझ लेते सकते हो आप, ये जोन 1 हो गया आपका, जोन 1, और ये हो गया जोन 2, और ये हो गया आपको जोन 3, और ये हो गया आपको जोन 4, ठीक है। अब ये जोन है, राइट, ये ऐसे समझ लो कि ये बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 2 है, ये बिल्डिंग 3 है, ये बिल्डिंग 4 है। ऐसे बिल्डिंग 1 के अंदर इतने सारे रैक्स हैं, बिल्डिंग 2 के अंदर भी इतने सारे रैक हैं, बिल्डिंग 3 के अंदर भी, बिल्डिंग 4 के अंदर भी रैक हैं। ये 4 बिल्डिंग को मिलाकर इनका एक जोन बना। अब होता क्या है, देखो, अब ये होता है कि आप अगर इंस्टेंस को लॉन्च करते हो, ठीक है, आप इंस्टेंस को लॉन्च करते हो तो आप रीजन का सिलेक्शन करते हो। रीजन का सिलेक्शन कहाँ से करते हैं, रीजन का सिलेक्शन यहीं से हम लोग कर लेते हैं ना। मुझे इंस्टेंस बनाना है मुंबई रीजन में तो ये रीजन का सिलेक्शन कहाँ से करते हैं, यहाँ पे गया मुंबई रीजन, तो यहाँ पे मुंबई आ रहा, मतलब रीजन का सिलेक्शन आपने कर चुके हो, यही होता है। तो रीजन का सिलेक्शन मान लो मैंने कर रखा है इंस्टेंस बनाते टाइम, मतलब मुंबई रीजन में बनाना, तो यहाँ पे मुंबई डैशबोर्ड खुला, मतलब रीजन का सिलेक्शन हो चुका है। अब जब आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो, जैसे मैं यहाँ पे मान लो इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, तो रीजन का सिलेक्शन तो हो चुका है, अब रीजन के अंदर जोन्स का सिलेक्शन आपको करने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो लोग इंस्टेंस जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। VPC के सेक्शन में
ठीक है, ये देखो, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बीपीसी के सेक्शन में सबनेट में, है ना, क्योंकि एक सबनेट किसी एक जोन के साथ मैप्ड होता है। तो जिस सबनेट के अंदर आप लॉन्च करोगे वो सबनेट जिस जोन के साथ मैप्ड होगा उस जोन में आपका इंस्टेंस जाके क्रिएट हो जाता है। अभी ये सबनेट और को जोन के साथ कैसे मैप करते हैं ये नेटवर्क में देखेंगे। अभी इतना समझो, बस इतना समझो कि आप जब भी इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो रीजन का सिलेक्शन भी आप कर सकते हो और आप जोन का भी सिलेक्शन कर सकते हो कि जोन वन में आपको मशीन क्रिएट करना है या जोन टू में करना है या जोन थ्री में या जोन फोर में। तो कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है क्या हम इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कौन से रीजन में बनाना है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्या रीजन के अंदर नंबर ऑफ जोन्स हैं तो क्या जोन्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन्स में हमें क्रिएट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मान लो आपने इंस्टेंस को क्रिएट करते टाइम आपने जोन वन का सिलेक्शन किया। अब जोन वन क्या है, जोन वन एक बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रैक्स हैं, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रैक हैं। अब उन रैक में, उन सारे रैक में कौन से रैक में आपको इंस्टेंस चाहिए, इसका सिलेक्शन कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने प्लेसमेंट ग्रुप जो आज हमारा टॉपिक है उसको यूज करते हो तो आप कर सकते हो। अब इसकी नीड क्यों पड़ती है देखो, अब आप बोलो यार सर जोन के अंदर किसी भी रैक में जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो तो जोन के अंदर कौन से रैक में जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इंस्टेंस लॉन्च करने का इरादा कुछ अलग है तो फर्क पड़ता है। तो इरादा कुछ अलग का मतलब क्या होता है, कुछ अलग का मतलब ये होता है कि आपने पूरा थ्री टीयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर सेटअप करने जा रहे हो जिसमें आपका डीएनएस भी आपका यूज हो रहा है, लोड बैलेंसर भी यूज हो रहा है। वहां पे फर्क पड़ेगा आपको। देखो कैसे, मान लो ये डीएनएस है, डीएनएस के बैकएंड में आपने लोड बैलेंसर लगा रखा है, ठीक है, लोड बैलेंसर के बैकएंड में ये सर्वर है। ये एक और लोड बैलेंसर है क्योंकि थ्री टीयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर आप यूज कर रहे हैं। ये एक और लोड बैलेंसर है।
ठीक है, तो ये इस तरीके से सेटअप चल रहा है मान लो आपका इंडस्ट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाली है, ध्यान से सुनना, डायग्राम बनने दो बस पूरा। ठीक है, अब ये हर लोड बैलेंसर की अपनी अपनी आईपी होगी। मान लो इस लोड बैलेंसर की आईपी आपका 10.100.1. ये है, इसकी भी अपनी आईपी होगी 10.200.100. ये है, इसकी भी अपनी आईपी होगी 10.120. ये ठीक है। अब आपने डीएनएस में एंट्री कर रखा होगा इस लोड बैलेंसर की आईपी इस तरीके से 10.100.1. ये ए रिकॉर्ड www.technicalcloudknowledge.com। ठीक है, ऐसे तो आपके कस्टमर जो होंगे, ये आपके कस्टमर है। अगर आपका कस्टमर किसको हिट करता है, आपका कस्टमर हिट करता है इसको, ये लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर के साइड ये वेब हो गए, ये ऐप हो गए, और ये डेटाबेस हो गए। ये वेब सेटअप हो गया आपका, ये ऐप हो गया, और ये हो गया आपका डेटाबेस। ठीक है, अब समझो यहाँ पर बहुत अच्छे से। अभी मैंने आपको समझाने के लिए लोड बैलेंसर के बैकएंड में 5 वेब सर्वर रखे हैं, 5 ऐप सर्वर रखे हैं, और 5 डेटाबेस रखे ना। अभी आप ऐसा सोचो कि 5 नहीं है, एक वेब सर्वर है, एक ऐप सर्वर है, और एक डेटाबेस है, ऐसे समझो। ठीक है, 3 सर्वर, तो 3 सर्वर को मिला के आपका सेटअप बना है। अब ये 3 सर्वर आपके लॉन्च कहाँ हुए, डेफिनेटली आपके रीजन के अंदर कहाँ गए होंगे, जोन के अंदर गए होंगे, कहाँ गए होंगे, जोन के अंदर। ठीक है, अब जोन के अंदर गए होंगे तो आप इंस्टेंस को बनाते टाइम हो सकता है कि आप ने जोन का सिलेक्शन ही नहीं किया, हो सकता है कि आपने जोन का सिलेक्शन ही नहीं किया। तो जोन का सिलेक्शन अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि आपका वेब सर्वर इस वाली जोन के इस वाले डेटा रैक में आ जाए, ऐप सर्वर इस वाली जोन के इस वाली रैक में आ जाए, डेटाबेस सर्वर इस वाली जोन के इस वाली रैक में आ जाए, ऐसे आ जाए। सिलेक्शन वगैरह कुछ किया ही नहीं आपने, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। तो मान लो आपका कस्टमर अगर लोड बैलेंसर को हिट करता है, लोड इस नाम को हिट करता है, ये नाम रिडायरेक्ट होती है लोड बैलेंसर के साइड, और लोड बैलेंसर के साइड आई तो अब वेब पे ट्रैफिक जानी, तो वेब पे ट्रैफिक जानी है तो वेब पे ट्रैफिक देखो इधर आया, इधर राइट, वेब पे ट्रैफिक इधर आया। अब इधर आने के बाद वेब पे आया, वेब से उसे ऐप पे जाना है, तो ऐप सर्वर दूसरे जोन में रखा हुआ है, बोले तो दूसरी बिल्डिंग में रखा हुआ है, तो अब ये ऐप से कनेक्ट होगा। ऐप से डेटाबेस पे जाना, तो डेटाबेस सर्वर भी दूसरी बिल्डिंग में रखा हुआ, डेटाबेस से कनेक्ट होगा डेफिनेटली। तो यहां पे समझना ये है आपको, वेब आपका दूसरी बिल्डिंग में, ऐप आपका दूसरी बिल्डिंग में, डेटाबेस आपका दूसरी बिल्डिंग में, तो इसमें कनेक्टिविटी सब कुछ होगी। प्रॉब्लम क्या आएगा, कहीं ना कहीं लेटेंसी हाई आएगा, लेटेंसी आपको हाई मिलेगा। क्यों, क्योंकि वेब पे ट्रैफिक आती है, वेब से ऐप में कनेक्ट होता है, ऐप दूसरी बिल्डिंग के अंदर दूसरे नेटवर्क पे रखा हुआ है, तो टाइम तो लेगा। ऐप से डेटाबेस में जाना, वो भी डेटाबेस तीसरी बिल्डिंग में रखा हुआ है, टाइम तो लेगा। तो टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है कनेक्टिविटी में सर्वर के बीच में। आपने बोला सर एक टाइम लग रहा है, काम करते ना कि वेब सर्वर को भी एक ही जोन के अंदर रखते हैं, ऐप को भी इसी एक ही जोन के अंदर रखते हैं, और डेटाबेस को भी एक ही जोन के अंदर रखते हैं, ऐसा आपने सिलेक्शन किया। तो मान लो अगर आपने ऐसा सिलेक्शन भी किया कि वेब को भी एक जोन वन के अंदर रखेंगे, ऐप को भी जोन वन के अंदर रखेंगे, और डेटाबेस को भी जोन वन के अंदर रखेंगे, तो आप जोन का ही सिलेक्शन कर पाओगे ना। लेकिन जोन के अंदर तो नंबर ऑफ रैक्स है, तो मान लो अगर आपका वेब
इस रैक में आया, डेटाबेस आपका इस रैक में आया, वेब इस रैक में आया, एप्लीकेशन इस रैक में आ गया और डेटाबेस आपका इस रैक में आ गया। अब यहां पे डायग्राम में तो देखो तीनों रैक आपस में एक सीरियल वाइज लगे हुए हैं। डेटा सेंटर के अंदर तो बहुत बड़ा डेटा सेंटर होगा, उसके अंदर तो एक रैक पता नहीं किस कोने में, एक रैक किस कोने में, और आपका मान लो वेब सर्वर दूसरे रैक पे चला गया, ऐप तीसरे रैक पे चला गया, डेटाबेस तीसरे चौथे रैक पे चला गया, हर एक रैक का नेटवर्क अलग अलग है। तो यहां पर भी देखो ट्रैफिक वेब पे आती है, वेब से जब ऐप पे जाएगी तो ऐप देखा जाए तो है तो उसी बिल्डिंग में, बट रैक अलग है, नेटवर्क उसका अलग है। ऐसी एप्लीकेशन जो ट्रैफिक अब डेटाबेस पे जाती है तो डेटाबेस तीसरी रैक में है, क्योंकि और तीसरी रैक का भी नेटवर्क अलग है। तो एक रैक से निकल कर दूसरे रैक पे रखा हुआ सर्वर पे ट्रैफिक जाएगी तो भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम तो लगेगा ना, कि वेब सर्वर एक रैक पे, एक रैक का डेडिकेट नेटवर्क है, अब ऐप सर्वर एक रैक पे है उसका एक डेडिकेट नेटवर्क है, तो वेब रैक से नेटवर्क निकलेगी, फिर ऐप रैक के नेटवर्क, ऐप रैक पे जो नेटवर्क है उससे अंदर जाएगी, तो टाइम तो लगेगा ना एक नेटवर्क से दूसरे, एक रैक से दूसरे रैक में नेटवर्क को लेके जाने में, तो टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जोन तक कहीं सिलेक्शन कर पाते हो ना, ये तो सिलेक्ट नहीं कर पाते ना कि रैक का सिलेक्शन तो आप कर नहीं पा रहे हो। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूं मेरे वेब ऐप और डेटाबेस एक जोन के अंदर एक ही रैक में चले जाए, ऐसा चाहता हूं, मेरे वेब और ऐप और डेटाबेस तीनों के तीनों सर्वर एक ही रैक पे चले जाए तो शायद मुझे स्पीड अच्छी मिल जाएगी। एक ही रैक में जाने का मतलब होता है, मैं यहां पे बना रहा हूं, ये एक रैक है, जैसे ये एक रैक है, एक ही रैक के अंदर आपका वेब भी आ जाएगा, एक ही रैक के अंदर डेटाबेस भी आ जाएगा, एक ही रैक के अंदर एप्लीकेशन भी आ जाएगा। तो अगर ट्रैफिक वेब पे आती है तो वेब से जब वो ऐप में कनेक्ट होगी तो उसको टाइम मिलेगा, क्यों? क्योंकि ऐप भी उसी रैक के अंदर रखा हुआ है, और ऐप से ट्रैफिक अगर डेटाबेस पे जाती है तो उसे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि डेटाबेस भी उसी रैक पे रखा हुआ है, तो स्पीड अच्छी देखने को मिलेगी, ऐसा चाहता हूं। अभी तो मैंने तीन सर्वर के एग्जाम्पल दिए, अब पांच पांच रख दो तो पांच के सारे सर्वर आपके एक ही हार्डवेयर पे रखे हुए हैं, स्पीड तो मिलेगी, स्पीड तो अच्छी मिलने वाली है। तो ऐसा चाहता हूं कि मेरे सारे सर्वर एक ही हार्डवेयर के अंदर बैकएंड में जाए, तो फिर आपको प्लेसमेंट ग्रुप यूज करना होगा, ऐसा अगर आप चाहते हैं, आपको प्लेसमेंट ग्रुप ऑप्शंस यूज करना होगा। समझ में आ गई? आपको प्लेसमेंट ग्रुप का ऑप्शंस यूज करना होगा अगर आप चाहते हो कि सारे आपके सर्वर एक ही रैक में चले जाए, ये मीनिंग है प्लेसमेंट ग्रुप। कभी भी इंडस्ट्री में अगर ऐसी कोई प्लानिंग होती है कि सारे सर्वर एक ही हार्डवेयर में रखने हैं, आप प्लेसमेंट ग्रुप। अब जो बंदे थोड़ा एक्सपीरियंस, उनके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, अगर हमारे सारे सर्वर एक ही हार्डवेयर पे चले भी जाते हैं, स्पीड तो मिलेगी लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस मिल रहा है क्या? कोई फॉल्ट आता है तो उसकी रिकवरी है क्या? जिस हार्डवेयर पे गया वो हार्डवेयर अगर क्रैश हो जाए बैकएंड से, तो उसकी रिकवरी क्या है? फॉल्ट टॉलरेंस क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। अभी देखा जाए तो बनाना पड़ेगा आपको, स्ट्रेटजी चलानी पड़ेगी फॉल्ट टॉलरेंस की। स्पीड की तो आपने चला ली स्ट्रेटजी, स्पीड चाहिए था, स्ट्रेटजी आपने चला ली, प्लेसमेंट ग्रुप यूज कर लिया, एक ही हार्डवेयर के अंदर सारे सर्वर्स रख दिए, बट फॉल्ट टॉलरेंस की भी स्ट्रेटजी आपको चलानी पड़ेगी। कैसे? देखो फॉल्ट टॉलरेंस की स्पीड, टॉलरेंस की स्ट्रेटजी आपको इस तरीके से चलानी पड़ेगी, आपने एक ही रैक के अंदर सारा सेटअप लगा दिया, पूरे सारे सर्वर, अब अच्छी स्पीड दे रहा है, कल कोई हार्डवेयर जाता है तो कोई रिकवरी नहीं है, कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, जो सेटअप यहां पे लगाई ना सेम सेटअप दूसरे जोन में लगाई, दूसरे जोन में सेम सेटअप सेटअप, और एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट यूज करेगी, बोले कि एक्टिव मोड में ये रहेगा, इसको अगर कुछ होता है तो ट्रैफिक इधर आना स्टार्ट हो जाएगी, ये हो गया ना फॉल्ट टॉलरेंस। दिमाग लगाओ बस, सब पॉसिबल है, तो स्पीड का स्पीड और फॉल्ट टॉलरेंस भी मिल गया आपको।
राइट, नहीं तो प्लेसमेंट ग्रुप यूज नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं यार, आपके सर्वर जाते रहे किसी भी रैक में, किसी भी जोन के किसी भी रैक में कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल स्पीड तो चलती रही चलती रहेगी। लेकिन जब हाई स्पीड की नीड होती है तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, समझ में आ गया। अब और एक चीज दिखाता हूँ, अब प्लेसमेंट ग्रुप जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है क्लस्टर का, इसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं बहुत छोटा है, कॉन्सेप्ट समझना है इसका बस। दूसरा आपको देखने को मिलेगा पार्टीशंस का, ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा स्प्रेड, तीन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर में ऐसा होता है कि आपने एक ही हार्डवेयर के ऊपर सारे सर्वर्स आपने रख दिए, ये क्लस्टर है। आपने प्लेसमेंट ग्रुप बनाया उसमें क्लस्टर का ऑप्शन आपने चूज किया, ठीक है। तो उसका मतलब है कि एक ही हार्डवेयर के अंदर आप सारे सर्वर रखोगे। अब आप जब भी सर्वर्स EC2 क्रिएट करोगे तो आप उसको प्लेसमेंट ग्रुप बताते जाओ, प्लेसमेंट ग्रुप बताते जाओगे तो सारे जो जो EC2 आप क्रिएट कर रहे हो उसको प्लेसमेंट ग्रुप आपने बता दिया तो उस बैकेंड में उस हार्डवेयर पे जाएगा, एक ही हार्डवेयर पे। जैसे मैंने एक प्लेसमेंट ग्रुप बनाया उसका नाम मैंने रख दिया TCK, तो मैं चाहता हूँ कि TCK के सारे सर्वर एक ही हार्डवेयर पे जाए, तो जब भी मैं इंस्टेंस बनाऊंगा तो प्लेसमेंट ग्रुप TCK सेलेक्ट करता हूँ तो जाता जाएगा। दूसरा प्लेसमेंट ग्रुप है पार्टीशंस का। पार्टीशंस का मतलब होता है कि प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर मैं एक लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर रहा हूं, एक लॉजिकल पार्टीशंस आपके क्रिएट हो जाते हैं और इसकी जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ही रैक पे नहीं चलना चाहता, एक ही रैक पे नहीं चलना चाहता, मैं एटलीस्ट तीन रैक यूज करना चाहता हूँ। क्योंकि आपका स्ट्रेटेजी ऐसा है कि मैं वेब वाले सर्वर एक रैक में रखूंगा, ऐप के एक रैक में रखूंगा और डेटाबेस के एक रैक में रखूंगा, राइट, और तीनों रैक एक ही जोन में होने चाहिए, ऐसा आप चाहते हो, तो फिर आप पार्टीशन का कॉन्सेप्ट यूज कर। तो पार्टीशन पे आपने तीन पार्टीशन बना लेते हो, एक वेब का, एक ऐप का और एक डेटाबेस का। तो आपने डिसीजन लिया कि वेब के सारे सर्वर वेब वाले पार्टीशन में डाल देंगे, ऐप के सारे सर्वर ऐप वाले पार्टीशन में डाल देंगे, डेटाबेस के सारे सर्वर डेटाबेस वाले पार्टीशन में डाल देंगे। तो अब ऐसा हो गया कि ये रैक पे वेब के सर्वर होंगे, ये रैक पे ऐप के सर्वर होंगे और ये रैक पे डेटाबेस के सर्वर होंगे, ठीक है। तो स्पीड थोड़ी कम हो गई बट फॉल्ट टॉलरेंस थोड़ा आपको मिल गया, समझ में आई। या फिर आप ऐसा चाहते हो कि एक 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 वेब सर्वर, एक ऐप सर्वर, एक डेटाबेस सर्वर इस रैक में आ जाए, एक वेब सर्वर, एक ऐप सर्वर, एक डेटाबेस इस रैक में आ जाए, एक वेब सर्वर, एक डेटाबेस इस रैक में आ जाए। आपने आपके पास 30 सर्वर है, मान लो 30 सर्वर यहाँ है, 30 यहाँ, 10 यहाँ है और 10 यहाँ, ठीक है, 30 सर्वर टोटल है, ठीक है, 30 सर्वर आपके टोटल है। तो आप ये चाहते हो कि वेब ऐप और डेटाबेस के 10 सर्वर के ग्रुप इधर हो जाए, 10 सर्वर के ग्रुप इधर हो जाए, 10 सर्वर के ग्रुप इधर हो जाए, तो उससे क्या होगा, स्पीड भी आपको मिलती रहेगी और साथ में फॉल्ट टॉलरेंस भी मिल गया। आपने ऐसा प्लानिंग नहीं, ऐसा प्लानिंग आपने नहीं किया कि वेब के इधर डाल दिया, ऐप के इधर डाल दिया, डेटाबेस के इधर डाल दिया, ऐसा नहीं किया। ऐसे में अगर एक हार्डवेयर अगर क्रैश होगा, मान लो वेब का हार्डवेयर क्रैश हो गया तो कनेक्टिविटी ही बंद हो जाएगी, या डेटाबेस का हार्डवेयर क्रैश हुआ तो ऐप को कोई डेटाबेस ही नहीं मिलेगा। तो आपने ऐसा नहीं किया, आपने बोला कि एक काम करते हैं 10 सर्वर का जो ग्रुप है, वेब ऐप और डेटाबेस तीनों को मिला के एक सर्वर, तो ऐसे 10 सर्वर यहीं रख दो, 10 इधर रख दो, 10 इधर रख दो, तो उससे क्या होगा, प्लेसमेंट ग्रुप में पार्टीशन का कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो तो उससे बेनिफिट्स हो गया आपको, थोड़ा सा फॉल्ट टॉलरेंस आपको अच्छा खासा मिल गया, ठीक है।
तीसरा कॉन्सेप्ट है स्प्रिड का। स्प्रिड में ऐसा होता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे हर सर्वर अलग अलग रैक्स में जाए, हर सर्वर अलग अलग रैक्स में जाए, हर सर्वर अलग अलग रैक्स में। तो फिर आप स्प्रिड का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, इसमें स्पीड जैसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता बहुत, बट आपको रिकवरी अच्छी मिलती है क्योंकि हर एक सर्वर अलग अलग रैक्स में पड़ा हुआ है। कितने रैक खराब हो, समझ में आ गई? तो दिखाता हूँ आपको मैं इसका प्रैक्टिकल, बहुत इजी है। जब आप इंस्टेंस बनाते हो तो वहां पे भी आपको प्लेसमेंट ग्रुप का ऑप्शन आता है, आप अलग से भी प्लेसमेंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे आओ, प्लेसमेंट ग्रुप, एक मिनट, इधर से भी आ सकता है आपका प्लेसमेंट ग्रुप, ये रहा, ये आगे प्लेसमेंट ग्रुप। यहाँ पे देखो क्रिएट प्लेसमेंट ग्रुप, यहाँ पे आप अपने प्लेसमेंट ग्रुप का नाम बता दो, ठीक है। ये देखो स्ट्रेटेजी यूज कर लो, मैंने क्लस्टर यूज किया, क्रिएट, बस प्लेसमेंट ग्रुप बन गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, जब भी मैं इंस्टेंस लॉन्च करूंगा, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ, तो इंस्टेंस का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया, जैसे वेब, ये देखो प्लेसमेंट ग्रुप। देखो अब मैं जितने भी सर्वर आऊंगा सेम प्लेसमेंट ग्रुप सेलेक्ट करूंगा, एक ही रैक पे जाता जाएगा। प्लेसमेंट ग्रुप में पढ़ना चाहते हो प्लेसमेंट ग्रुप में के बारे में, इन्फो यहाँ पे क्लिक करो, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करो, देखो पूरा समझ आ गई। यहाँ पे देखो क्रिएट प्लेसमेंट ग्रुप, पढ़ना चाहते हो प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में, इन्फो में क्लिक करो, देखो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। आप अगर इस क्लस्टर की स्ट्रेटेजी को पढ़ना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो, पार्टीशन को पढ़ना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। इसकी थ्योरी जरूर पढ़ना है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस वगैरह लिखे हुए जो आपको हेल्प करेंगे, देखो पूरा पढ़ना, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया, मेरी वीडियोस को देखने के बाद ये थ्योरी जरूर पढ़ लेना एक बार, बहुत कुछ इसके अंदर हिडन बातें छुपी हुई हैं जो आपको हेल्प करेंगी इंटरव्यू में भी और एक नॉलेज को एनहेंस करने में। तो उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट बेस अगर देखे तो। लगभग ये हमारा था लेक्चर नंबर 26, जो एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, और आई थिंक कल से अगले लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ स्टोरेज, ठीक है। तो अगले लेक्चर से स्टोरेज स्टार्ट करता हूँ, EC2 में कोई छोटा मोटा सेक्शन बच गया हो तो मुझे मैसेज करके बोल देना, वो भी देख लेंगे हम, ठीक है, या फिर मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। बाकी अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरेज पॉइंट को, तब तक लिए दोस्तों बाय।